कितना ही धन जुटा लो, आपके कितने ही नाती पोते हो, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं। हमारा अच्छा बुरा कर्म ही साथ जाता है। जो दान हम देते हैं वह हमें 10 गुना वापस आकर मिलता है। इसलिए जब भी दान पुण्य का मौका मिलता है तो उसका पूरा लाभ उठाए। ये उपदेश राघवेंद्र दास जी महाराज ने किया है। स्थानीय सुभाष हॉल में चल रहे श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन महाराज श्री ने विशेष तौर पर 3 प्रसंगों का विवेचन किया। तारकासुर वध, गणेश उत्पत्ति तथा रुद्र अवतार की कथा सुनाई। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु शिव के अंशावतार से ही होगी। स्वामी कार्तिकेय शिव जी के अंशावतार हुए, जिन्होंने भीषण युद्ध में उनका वध किया। माता पार्वती ने जब उपटन लगाया और स्नान करने जाने लगी, तब उन्होंने उपटन से बालक तैयार कर द्वार पर खड़ा कर आदेश दिया कि जब तक उनकी आज्ञा न हो किसी को अंदर प्रवेश न करने दे। कुछ ही देर में भगवान शंकर लौटे तो अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। लाख मना करने पर भी जब नहीं माने तो शिव जी ने क्रोधित होकर उनके धड़ को सिर से अलग कर दिया। बालक की चीख सुन माता पार्वती बाहर निकली और विलाप करने लगी। क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि जब तक मेरा पुत्र जिंदा नहीं होता तब तक मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। शिवजी ने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजकर जो भी मिले उसका सिर मंगवाया। गज उत्तर दिशा में निकले तो उन्हें एक दंत वाला गज मिला, जिसका सिर काटकर उन्होंने और शंकर जी ने उसे जोड़कर जान डाल दी। इस समय सभी देवताओं ने गणेश पर पुष्प वर्षा कर उन्हें प्रथम पूज्य के अधिकारी बनाया। श्री रुद्र अवतार कथा की शुरुआत तथा भगवान शिव के अघोरी रूप व माता महाकाली के स्वरूप की झांकी प्रस्तुत कर इस कथा का समापन हुआ। सभी भक्तों ने सभी शिव व महाकाली का पूजन किया। कथा में प्रसंग के अनुसार झांकी भी प्रस्तुत की जा रही थी।